नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ रिसेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में रहा है जो आपके एग्जामिनेशन पर्स्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे जितने भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पार्ट वन वीडियो है ये पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर सब्सिक्वेंटली मैं अपलोड कर दूंगा तो आगे जाने से पहले लेक्टर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के के लिए आप चैनल मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान ये लॉन्च हुआ था में अंडर द स्कीम ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ रूपीज सिक्स थाउजेंड पर ईयर देखिए हर साल छ हजार रुपए देते हैं फार्मर्स को ये जो पैसे हैं डायरेक्टली इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तीन इंस्टॉलमेंट्स में टू थाउजेंड टू थाउजेंड थाउजेंड ठीक है देखिए ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इनरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग ध्यान दीजिएगा लैंड होल्डिंग चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबको मिल जाएगा बस लैंड होल्डिंग चाहिए आपके नाम पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद हंड्रेड परसेंट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डिफरेंस क्या है हमने काफी बार डिस्कस किया है और एक बार ब्रीफली बता देता हूं देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब वो स्कीम्स होता है सेंटर का जिसका हंड्रेड परसेंट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मतलब वो स्कीम्स है वो स्कीम रहेगा सेंटर का पर इंप्लीमेंट करेगा स्टेट्स इसकी जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पे होगा कभी सेंटर सेवेंटी परसेंट देगा स्टेट थर्टी परसेंट कभी सेंटर सिक्सटी परसेंट देगा स्टेट फोर्टी परसेंट ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है अगर जनरल स्टेट्स है तो सेंटर का शेयर थोड़ा सा कम रहता है अगर बैकवर्ड स्टेट्स है या हिली स्टेट्स है हिमालयन स्टेट्स तो सेंटर का शेयर कभी कभी नाइन्टी तक हो जाता है समझ गए तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पीएम किसान इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंडिया रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज देखिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास एक ही काम है बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना है समझ गए जो प्रॉपर बेनिफिशियरीज होगा ना उनको आइडेंटिफाई करके बोलना है कि इनको पैसे दे दो आप फंडिंग कुछ करन, नहीं करना है फंडिंग जो है सेंटर करेगा इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है टू सप्लीमेंट द दल नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स देखिए ये मेनली फोकस करता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर मैंने आपको बोला था ना लैंड होल्डिंग्स कोई फर्क नहीं पड़ता अब देखिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं हैविंग लेस देन टू हेक्टेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स अगर कोई फार्मर्स के पास जो तो लैंड है वो टू हेक्टेस से कम है तो इनको क्या बोला जाएगा स्मॉल फार्मर्स बोला जाएगा एंड वन हेक्टेर से कम है तो क्या है वो मार्जिल फार्मर्स है समझ गए दोस्तों कि स्मॉल फार्मर्स मतलब जिनके पास दो हेक्टेयर से कम है फार्मर्स मतलब जिनके पास वन हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है तो इन स्मॉल एंड मार्जिल फार्मर्स को ये बेसिकली फोकस करते हैं इनका जो इंश्योरिंग प्रॉपर क्रॉप हेल्थ अप्रोप्रिएट यील्ड्स कॉमसोरेट विद द एंटिसिपेटेड फार्म इनकम एंड एंड ऑफ ईच क्रॉप सेक्टर कभी कभी कल्टिवेशन हार्वेस्टिंग के बाद जितना एक्सपेक्टेड इनकम है उतना मिल नहीं पाता है तो ऐसे केसेस में ये पीएम किसान सम्मान निधि जो है काम आता है टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम फॉलिंग इन क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में मैक्सिमम फार्मर्स जो है मनी लेंडर्स के क्लचेस में फंसे रहते हैं मनी लेंडर्स से बड़े इंटरेस्ट में पैसे भरो करना पड़ता है बाद में वो चुका नहीं पाते इस तरह की प्रॉब्लम से उन्हें बचाने के लिए पैसे दिया जाता है और एक पीएम किसान मोबाइल ऐप भी है ये डेवलप किया था नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर इन कोलाबेशन विद मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

जो क्लेम अमाउंट है मोड़े वो मिल जाएगा इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी है वो मैं आपको बताऊंगा देखिए लॉन्च टू थाउजेंड पहले नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम हुआ करता था एंड मोडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम हुआ करता था ये दोनों को मर्ज किया गया पीएम फसल बीमा योजना में प्रिस्क्राइब प्रीमियम इज टू परसेंट टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स देखिए प्रीमियम का टू परसेंट पे करना होता है फार्मर्स को फॉर खारीफ क्रॉप्स एंड 1.5 परसेंट पे करना पड़ता है, अगर annual, है तो, होगा 5%. तो आप सोच रहे होंगे बाकी का जो प्रीमियम अमाउंट है वो कौन पे करेगा वो पे करेगा स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वल सब्सिडीज दिया जाएगा ठीक है आधा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को हाउवर गवर्मेंट ऑफ इंडिया शेड नाइनटी परसेंट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलेक्सेशन दे दिया बोला सेंट्रल गवर्नमेंट नाइन्टी परसेंट प्रीमियम सब्सिडी दे देंगी वो आधा आधा वाला जो हिसाब है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नहीं है ओनली फॉर प्रमोट द अपटेक इन रीजन उधर के जो ये स्कीम का प्रमोशन करने के लिए ऐसे किया है स्कीम आज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन किसान क्रेडिट को क्रेडिट कार्ड अकाउंट फॉर नोट्रीफ क्रॉप्स एंड बोल्ट्री फॉर अदर्स देखिए ये स्कीम को कंपल्सरी बना दिया जितने भी फार्मर्स लोन लेते हैं ना कोई क्रॉप लोन लेते हैं कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए एंड किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा किसान को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिनके पास लैंड होल्डिंग्स है अगर किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो इसके लिए भी एनरोल इस होना बना दिया। इसमें सारे क्रॉप इंक्लूडेड है मैक्सिमम जितने भी फूड क्रॉप्स है ऑयल सीड एनुअल कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर इसमें इंक्लूडेड है पर एक क्राइटेरिया है फॉर विच पास्ट ईल डेटा इज अवेलेबल पुराने कल्टिवेशन या हार्वेस्टिंग का डेटा जो है वो होनी चाहिए एंड for which requisite नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस आर being कंडक्टेड देखिए दोस्तों ये स्कीम में कोई भी एक एग्रीकल्चर एरिया एनरोल करने से पहले मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप का कल्टिवेशन इस स्कीम के अंदर एनरोल करने से पहले एक जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे किया जाता है देखिए दोस्तों अगर कोई क्रॉप लॉस होगा तो गवर्नमेंट पे करेगा ना तो इसलिए इससे पहले एक सर्वे किया जाता है जिसका नाम है जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे इस सर्वे के अंदर एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाते हैं अब ये क्या है कुछ नहीं दोस्तों ऐसा एक, एक एक्सपेरिमेंट है जिसे उस क्रॉप का यील्ड कितना होगा ये पता करने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया जाता है राइट फिर आए दोस्तों पी एम एफ बी वाई टू पॉइंट जीरो पहले का जो स्कीम है इसके बाद एक टू पॉइंट जीरो क्वेश्चन भी आया इसमें कुछ अलग सा डिटेल्स है प्रोविजन है ये कंप्लीटली वोड कर दिया किसके लिए 2020 खरीफ सीजन से इसमें जो एनरोलमेंट था ना ये 100 परसेंट वोड कर दिया कोई जबरदस्ती नहीं है जो फार्मर्स चाहे वो वॉल्टरली एनरोल हो सकता है नहीं तो नहीं मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट आप ये क्या है दोस्तों देखिए इसमें एक कंसर्न यह था कुछ कुछ लॉसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं थे मतलब गवर्नमेंट मैक्सिमम नेचुरल डिसास्टर्स कलामिटीज़ वगैरह नोटिफाई किए थे इन इन कलामिटीज़ से आपका क्रॉप लॉस हो गया तो आपको पैसे मिल जाएगा इंश्योरेंस का पैसे मिल जाएगा पर उसमें कुछ कलामिटीज़ वगैरह इंक्लूडेड नहीं थे अब आग देखिए हमें पता है हमारी कंट्री जो है डाइवर्स कंट्री है अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन है देश में तो अलग अलग स्टेट्स में यूनियन टेरेटरीज में अलग अलग तरीके का लोकल कलामिटीज़ आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया स्टेट्स को बोला आप अपने हिसाब से अपने क्लाइमेटिक कंडीशन से जितने भी आपकी कलामिटीज है लोकल कलामिटीज़ वगैरह है उसको इंक्लूड करो ये है मोर फ्लेक्सीबिलिटी टू स्टेट्स मतलब वो कलामिटी से अगर कोई फार्मर्स का लॉस हो गया तो पैसे मिल जाएगा अगला है पीनालाइजिंग द पेंडेंसी इसमें कुछ नहीं दोस्तों अगर स्टेट्स अपना जो शेयर है वो रिलीज नहीं किया टाइम पे तो पिनलेस किया जाएगा अगले स्कीम में उनको पार्टिसिपेट होने नहीं देंगे ये बताया जा रहा है फिर इन्वेस्टिंग इन आईसी एक्टिविटीज जितनी इंश्योरेंस कंपनीज ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंक्लूडेड है उनको अपना पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टोटल प्रीमियम यूज़ करना है इस स्कीम का इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए एजुकेट करने के लिए एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में ये बताया जा रहा है तो यह है पीएम एम एफ बी वाई टू पॉइंट जीरो तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा अगला है दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इट इज अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फिनान्सिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन बाइबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए लोन्स दिया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू लोन्स मतलब उसमें इंटरेस्ट सबमेंशन होगा मतलब इंटरेस्ट में कुछ रिलीफ किया जाएगा एंड क्रेडिट गारंटी भी होगा अब क्रेडिट गारंटी क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा द ड्यूशन ऑफ द स्कीम इज फ्रॉम फिनेंशियलियर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिनेशियर टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब दस साल के लिए स्कीम की ड्यूरेशन बता रहा हूं अंडर द स्कीम रुपीज वन लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज लोन्स विध इंटरेस्ट सबमेंशन ऑफ थ्री परसेंट पर एनम इंटरेस्ट सबमेंशन मतलब थ्री परसेंट का रिलीफ दिया जाएगा अगर दस परसेंट है तो सात परसेंट एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर सी जी टी एम एस सी फॉर लोन टू रुपीज टू मतलब दोस्तों देखिए एक तो मैंने बोला थ्री परसेंट हर साल में थ्री परसेंट का इस तरह की इंटरेस्ट सब दिया जाएगा बेसिकली इंटरेस्ट रिलीफ दिया जाएगा क्रेडिट गारंटी मतलब क्या होता है दोस्तों देखिए मान लीजिए मैं एक बैंक हूं मुझे किसी को लोन देना है अब मैं उसी लोगों को लोन दूंगा ना जो एनपीए नहीं बनेगा आगे एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बनेगा मतलब मैं लोन देने से वो वापस इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं भरेगा तो मैं क्या करूँगा तो जो बैंक है या जो मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो लोन देने से थोड़ा सा हेसिटेट करता है मतलब ऐसे लोगों को लोन देने से उनको प्रॉब्लम होगा ना उनको लगेगा ये वापस नहीं भर पाएगा तो तब ये क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम काम आता है मतलब गवर्नमेंट द्वारा अब ये सी जी टीएमएससी है सी जी टीएमएससी मतलब क्या मैंने आपको बता दिया ना बेसिकली ये मिनिस्ट्री के अंडर है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ये गारंटी देता है क्रेडिट का आप जो क्रेडिट दे रहे हो ना इसकी गारंटी हम ले रहे हैं अगर वो नहीं भरेंगे तो हम भरेंगे इस तरह की क्रेडिट गारंटी ठीक है तो ये क्रेडिट गारंटी इज फॉर लोन सब टू रूपीज टू क्रोस तो इसी तरह प्रमोट कर रहे हैं पैसे देने के लिए ठीक है बोल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये बोल रहा है आप लोग क्रेडिट दे दो फार्मर्स को गवर्नमेंट का मकसद क्या है लोगों तक तो पैसे पहुंचाने के लिए ठीक है अगर बैंक हेसिटेट कर रहा है तो बैंक को ये बोल रहा है दो करोड़ तक का जो लोन है इसको हम क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेंगे एलिजिबल बेनिफिशरीज देखिए फार्मर्स एफ पी ओस मतलब क्या है सबसे पहले एफ मतलब क्या है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है पी मतलब मतलब एस मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जॉइंट लेवल्टी ग्रुप्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी अग्री एंटरप्रनोर्स स्टार्टअप्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब ये सब बेनिफिशरीज हैं ये सारे रिलेटेड है एक साथ मिलके जो काम करने वाली चीज़ होते हैं ना जैसे फार्मर्स इकट्ठा करके फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना दिया मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज बना दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए ठीक है तो इन सबको कलेक्टिवली लोन दिया जाएगा यह बताया जा रहा है इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है? यह मैंने आपको बता दिया थ्री परसेंट पैरानु में अब क्रेडिट गारंटी क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बोरो फ्रॉम दिस फाइनेंशियल फेसिलिटी अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रॉन स्मॉल एंटरप्राइजेस ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही ये जो फी है ये पे करेगा गवर्नमेंट इन केस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट गारंटी में भी अवेल फ्रॉम द फैसिलिटी क्रिएटेड एंड द एफपीओ प्रमोशन स्कीम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ये बताया जा रहा है ये जो क्रेडिट गारंटी है अगर एफपीओ को दे रहा है क्रेडिट तो ये क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी होगा ये जो जो एफ पी ओ प्रमोशन स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी है पर जो मेजर मेजर चीज़ें हैं आप समझ के रखिएगा बस मैनेजमेंट ऑफ द फंड क्या है इट टू बी मैनेज एंड मोनिटेड थ्रू एन ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसको बेसिकली एक फंड को मॉनिटर करने के लिए एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा एंड नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरी कमिटीज़ भी सेटअप किया जाएगा ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मोनिटर करने के लिए तो आई होप आपको समझ में आ गया अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे भी थोड़ा सा डाउट आ गया जब मैं इसको पढ़ रहा था आपको समझा रहा था थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें कुछ टर्म्स वगैरह आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मैं अलग से आपको समझाऊंगा अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये लॉन्च किया था दो हजार पंद्रह में इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया बेसिकली सेंटर का स्कीम रहेगा इंप्लीमेंट करेगा स्टेट फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पे देखिए सेंटर का शेयर सेवेंटी फाइव स्टेट्स का ट्वेंटी फाइव है ये जनरल स्टेट्स के लिए है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट्स के लिए नाइन्टी स्टू टेन है मतलब सेंटर का शेयर नाइन्टी परसेंट है स्टेट का टेन परसेंट है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? देख लीजिए देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो आप रिलेट कर सकते हो तो इरिगेशन से रिलेटेड है सस्टेनेबल यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखा है आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा मेजर मेजर पॉइंट्स में बता देता हूँ कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल एक्सपैंड द कल्टिबल एरिया अंडर आई इरिगेशन बेसिकली हर खेत को पानी पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना कल्टिवेशन करने के लिए आपको एक चीज़ पता होगा इंडिया में जो पानी की यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है कई कई कल्टिवेशन में इरिगेशन बहुत चाहिए होता है मतलब पानी के यूसेज बहुत चाहिए होता है इसलिए मैक्सिमम फार्मर्स जो नॉर्थ इंडियन साइड में वो है वो ग्राउंड वाटर का यूसेज करते हैं आपको ये भी पता होगा ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज करने से या ज्यादा एक्सप्लोइट करने से प्रॉब्लम है फिर ग्राउंड वाटर इतना जल्दी रिचार्ज भी नहीं होता है तो ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है देखिए एक तो इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू तो रिड्यूस वेस्ट ऑफ वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हो रहा है हमारे देश में टू तो एनहांस द अडोप्शन ऑफ प्रिस इरीगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी प्रिस इरीगेशन मतलब जितना पानी चाहिए प्रिसली उतना पानी यूज़ किया जाएगा कोई पानी वेस्ट नहीं करेगा एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज वगैरह है इंडिया ने कई सारे कंट्री के साथ काफी सारे एमओ भी साइन किया है इस तरह के वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज के लिए हमने न्यूज वगैरह में कवर किया था इसमें देखिए रिचार्ज ऑफ ऑफेस मतलब क्या होता है जो ग्राउंड वाटर जहां होता है नाफेज वगैरह तो इनको रिचार्ज करना रिचार्ज करने का भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस और देखिए वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा एंड फार्मर्स को एजुकेट भी करेगा ग्राउंड वाटर का ग्राउंड वाटर कितनी कीमती होती है पानी वेस्ट नहीं करना एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है ये सारी चीजें तो काफी कुछ इसे लिखा हुआ है दोस्तों पढ़ लीजिएगा वाटर साइकिल के ऊपर है अब देखिए फॉमुलेटेड बाई अमलगमेटिंग ऑन गोइंग स्कीम्स ये जो स्कीम है कृषि सिंचाई योजना ये तीन स्कीम को अमेल्गमेट किया था एक्सेलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेशन का था इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर थे ओम फार्म वाटर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपोरेशन का अंडर था तो इन तीन स्कीम को हम किया था एंड इम्प्लीमेंटेशन डी सेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन थ्रू स्टेट इरीगेशन प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान डी सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह में सेंट्रलाइज नहीं होगा इसको डिसेंट्रलाइज किया है अलग अलग अथॉरिटीज को पावर दिया है जैसे स्टेट इरीगेशन प्लान्स से डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लांट से यही बताया जा रहा है तो देखिए जितने पोन इधर लिखा ना एक बार पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली आप यही समझ लीजिए ये इरीगेशन से रिलेटेड है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है अगला दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये भी एक तरह का इसकी साइज है पंद्रह करोड़ दिस विल इंसेंटिवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है मतलब एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए फंडिंग होगा हमने एक अलग वीडियो भी किया था। उसी ठीक है देखिए डायरी सेक्टर में मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में एनिमल फीड प्लांट्स में एंड इसकी एलिजिबिलिटी फंडिंग इंप्लीमेंटेशन वगैरह देखिए कौन कौन एलिजिबल है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्शन एट कंपनी सेक्शन एट कंपनीज मतलब क्या होते हैं दोस्तों बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से जो आर्ट्स प्रमोट करते हैं कला कला प्रमोट करते हैं एजुकेशन चैरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्पोर्ट्स साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जब प्रमोट करते हैं ना इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके रजिस्टर करते हैं मतलब ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं इनके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं तो इस तरह की जो सेक्शन एट कंपनीज है ये भी एलिजिबल है प्राइवेट कंपनीज एलिजिबल है इंडिविजुअल एंटरप्रनर जो इंडिविजुअल भी कोई अंटरप्रेनर हो वो भी एलिजिबल है बी थी टेन परसेंट मार्जिन मनी कॉन्ट्रीब्यूशन में हम देखिए इनको पूरे पैसे नहीं मिलेगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट में सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है तो पूरे पैसे नहीं मिलेगा आपको 90 परसेंट सॉरी 90 परसेंट मिलेगा 10 परसेंट आपको आपके पॉकेट से लेना पड़ेगा बाकी scheduled banks. बाकी जो जो 90 90 है, आपको लोन मिल जाएगा। कहां से से, जो शेड्यूल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्री परसेंट इंटरेस्ट सबमेंशन भी देगा टू एलिजिबल बेनिफिशरी है ना उनके लिए थ्री परसेंट का इंटरेस्ट सबमेंशन होगा बेसिकली इंटरेस्ट रिलीफ होगा देर विल बी टूयर्स मॉरेटरियम पीरियड फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन विथ सिक्स ईयर्स रीपेमेंट पीरियडर पहले दो साल के लिए मॉरिटोरियम पीरियड होगा इसके बाद छह साल तक रीपेमेंट पीरियड होगा छह साल में यह कंप्लीट करना है तो टोटल कितना सिक्स प्लस टू आठ साल मिल जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड देखिए इसमें क्रेडिट गारंटी भी है क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ रुपीज से जो पंद्रह हज़ार करोड़ का है उसके साथ एक सेवन फिफ्टी करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड भी है क्रेडिट गारंटी क्या होता है मैंने आपको बता दिया ना मतलब शेड्यूल बैंक्स कोई एलिजिबल बेनिफिशरीज को लोन देने से कभी कभी डरता है उनको ये लगता है कि पैसे हमें वापस नहीं मिलेगा इसलिए गवर्नमेंट क्या करते, करते है क्रेडिट गारंटी फंड सेटअप करते हैं जिसे वो जो क्रेडिट देगा ना उसके ऊपर गारंटी होगा तो गवर्नमेंट बोलेगा बेशक दे दीजिए कोई प्रॉब्लम है तो हम आपका हेल्प करेंगे देखिए ये जो क्रेडिट गारंटी फंड मैनेज कौन करेगा नबार्ड करेगा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है विच वुड प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू द प्रोजेक्ट्स विच आर कवर्ड अंडर द एम एसमी डिफाइंड सीलिंग्स कैंडिडिट कवरेज कितना है क्रेडिट फैसिलिटी का ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर एक लाख देगा तो पच्चीस हजार समझ गए आप सिग्निफिकेंस देखिए इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल टू मीट अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दोस प्रोजेक्ट्स ये तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों नॉर्मल सिग्निफिकेंस है देखिए कोई भी स्कीम का सिग्निफिकेंस कॉमन रहता है ठीक है प्रमोशन इंश्योरिंग इनकम और क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ओवरऑल रिटर्न सब आप बता सकते हो तो आपके हिसाब से आपकी भावनाओं से आप लिख सकते हो बाकी जो इसकी जो मेजर मेजर पॉइंट है तो आपको लिखना पड़ेगा जैसे एलिजिबिलिटी क्या है फंडिंग कितना होगा इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा साइज कितना है ये सब अगला दोस्तों पीएम ई विद्या इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इट इज़ टू एजुकेट स्टूडेंट्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखिए आपको पता है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक एंड फर्दर लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी बच्चे कॉलेज एंड स्कूल जा नहीं पा रहे थे तो बच्चों के पास एक ही ऑप्शन था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है इंडिया में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है क्या हर बच्चे के पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है तो गवर्नमेंट ने क्या किया टेन टॉप सॉरी टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री के साथ कोलेबोरेशन किया और क्या किया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया कैसे इंटरनेट की सहायता से नहीं स्वयं प्रभा डी चैनल से ये बेसिकली एक डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल है टीवी में मिल जाएगा बस फ्रीक्वेंसी ट्यून करके रखना है ये प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन विल आल्सो बी लॉन्च देखिए पीएम ई विद्या के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स आएंगे आने वाले टाइम पे अब गवर्नमेंट देखिए बारह और चैनल लॉन्च करने वाला है इट विल बी इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीक्षा इन्वॉल्विंग ई कंटेंट क्यू आर कोड एनर्जेज बुक फॉर ऑल द क्लासेस एंड विल बी कॉल्ड एज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए वन स्टॉप सोल्यूशन बना रहा है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ मिल जाएगा बच्चों के लिए जो भी है एक टीवी चैनल कोड वन क्लास वन चैनल विल आल्सो भी लॉन्च फॉर क्लास वन टू ट्वेल्व क्लास एक से बारह तक वन क्लास वन चैनल करके एक टीवी चैनल लॉन्च करेगा जिसमें जो टॉप एजुकेटर्स वगैरह पढ़ाएगा The government also have decided to do radio podcast and special e-content for visually and hearing impaired students. देखिए अब जो विशुअली एंड हियरिंग इम्पेयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है उनके लिए भी है रेडियो पॉडकास्ट होगा स्पेशल ई कंटेंट होगा द गवर्नमेंट विल टेक ऑल दिस एफर्ट्स टू एंश्योर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट डस नॉट सफर लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए यह गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है अब इसकी बेनिफिट्स क्या क्या benefits है बेनिफिट्स आप खुद सोच सकते हो दोस्तों क्या क्या है एक तो बच्चों को टाइम पर एजुकेशन मिल जाएगा घर पे बैठे बैठे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा सारे लर्निंग नीड्स एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर स्पेशल रेडियो पॉडकास्ट जो है ये विजुअली एंड एयरिंग एम्पेड स्टूडेंट्स के लिए है एंड स्टूडेंट्स कैन स्टडी थ्रू ई कंटेंट सब ई e कंटेंट मतलब क्या दोस्तों इतनी सारी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है ठीक है एक ही प्लेटफॉर्म में अगर सब कुछ मिल जाएगा तो ई है ना बच्चों के लिए तो वही बोला जा रहा है तो बाकी लिखा गया है डेडिकेटेड चैनल फॉर एजुकेशन ऑन टीवी टीवी में एक डेडिकेटेड चैनल रहेगा इ थ्रू उधर आपको ट्यून करने की जरूरत नहीं है आपको एक एक चैनल में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगला है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था जब पीएम फसल बीमा योजना बता रहा था तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो इधर मैं बंद कर रहा हूँ बहुत लंबा वीडियो हो गया बीस मिनट से ज़्यादा ही हो गया तो अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट टू में और भी स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे टिल देन बाई बाय है नाइस डे